संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम इन यूएसए। राजनीतिक दलों का विकास। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सबसे पहले अमरीकी राजनीतिक दलों का विकास। वर्तमान अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, किंतु संविधान के निर्माता राजनीतिक दलों के निर्माण के विरुद्ध थे। अमेरिका के राष्ट्रपिता व प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों की निंदा की थी और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं किया जाए, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। वस्तुतः राजनीतिक दलों के निर्माण की पृष्ठभूमि संविधान सभा की कार्रवाई के दौरान तैयार हो गई थी और जैसे ही संविधान के क्रियान्वयन के साथ मतभेद उग्र हुए वैसे ही राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ। दलों की उत्पत्ति का कारण बना यह विवाद कि राष्ट्र की प्रगति एवं शक्ति के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य सरकारों को। हैमिल्टन केंद्र सरकार को शक्ति साली बनाने के पक्ष में था और उसने अपने पक्ष को संघवादी कहा, जबकि जेफरसन राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में था, उसने अपने पक्ष को संघ विरोधी कहा। शीघ्र ही हैमिल्टन के विचारों के आधार पर फेडरलिस्ट पार्टी तथा जेफरसन के विचारों के आधार पर डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की रचना हुई। सन 1796 में शासन पर फेडरलिस्ट पार्टी का अधिकार हुआ, किंतु सन 1800 से सन 1828 ईस्वी तक शासन पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी का अधिकार रहा। 19वीं शताब्दी में डेमोक्रेटिक पार्टी अनुदारवादी थी और रिपब्लिकन पार्टी उदारवादी। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो आगे चल के डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में नई दल के रूप में स्थापित हुई, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी थी वो रिपब्लिकन पार्टी के रूप में स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी में डेमोक्रेटिक पार्टी अनुदारवादी थी और रिपब्लिकन पार्टी उदारवादी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने दास्ता का समर्थन किया और रिपब्लिक पार्टी ने दास्ता का विरोध किया। रिपब्लिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास्ता को समाप्त करने के लिए गृहयुद्ध का सामना किया, किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और अब डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवादी तथा रिपब्लिकन पार्टी अनुदारवादी हो गई। यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इन दोनों दलों की नीतियों में अब कोई आधारभूत अंतर नहीं रहा है। दोनों प्रमुख दलों में बहुत समानता है और कुछ समय पहले तो दोनों में इतनी अधिक मात्रा में समानता थी कि तीसरे दल के नेताओं ने उनमें नाम मात्र का ही अंतर माना। तो विद्यार्थियों को विदित होगा कि अमेरिका में दोनों दल, डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी,
यद्यपि दो दल के रूप में स्थापित हुई, किंतु उनके कार्यक्रमों में, उनके एजेंडों में, सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। दोनों हर तरीके से समान है, लेकिन दो दल के रूप में है। अमरीकी दल प्रणाली की विशेषताएं। पहला, दलों का संविधानेतर विकास। संविधानेतर विकास का तात्पर्य है कि जो वहाँ राजनीतिक दल हैं वो संविधान के अनुसार उनका विकास नहीं हुआ, संविधान के संविधानेतर विकास हुआ है, अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को हानिकारक मानते थे, अतः वे इनके विरोधी थे। उन्होंने संविधान में दलों का निषेध नहीं किया, किंतु उनकी कोई व्यवस्था भी नहीं की। किंतु शीघ्र ही राजनीतिक मतभेदों ने राजनीतिक दलों को जन्म दिया। भले ही संविधान में राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, किंतु कांग्रेस व राज्यों की विधानसभाओं ने दल प्रणाली के संचालन व उचित नियंत्रण के लिए समय समय पर कानून बनाए। दूसरा है द्विदल पद्धति। अमेरिका में अनेक राजनीतिक दल हैं, किंतु मुख्य दल दो ही हैं, अतः अमेरिकी दल पद्धति को द्विदल पद्धति कहा जाता है। इन दोनों दलों के नाम हैं डेमोक्रेटिक पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी। तीसरा है दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं। प्राय सभी प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के बीच विचार एवं सिद्धांतों के क्षेत्र में काफी अंतर पाए जाते हैं, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच प्रारंभ में जरूर कुछ तीव्र सैद्धांतिक मतभेद थे, किंतु आज उनके बीच कोई वास्तविक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। अगला है दलों का आधार वर्गीय है। अमेरिका में अनेक वर्ग हैं, आर्थिक, प्रादेशिक, धार्मिक, नस्लीय आदि। राजनीतिक दल इन्हीं वर्गों से मिलकर बने हैं, किंतु खास बात यह है कि किसी भी दल में किसी एक वर्ग की प्रधानता नहीं है, अपितु प्रत्येक दल में सभी वर्गों के सदस्य हैं। प्रत्येक अमेरिकन दल विभिन्न वर्गों के बीच एक संतुलन की अवस्था पैदा करता है। दल के वर्गों के बीच एक प्रकार की समझदारी तथा अलिखित समझौता होता है, जिसके कारण प्रत्येक दल मूलतः मध्यम वर्गीय रहता है। अतः विभिन्न वर्ग दल का त्याग करने की जरूरत अनुभव नहीं करते हैं। अगला है दलों पर दबाव समूहों का प्रभाव। अमेरिका की राजनीति में अनेक प्रभावशाली दबाव समूह हैं, जैसे वाणिज्य संघ, उत्पादकों का राष्ट्रीय संघ, किसान संघ, स्त्री मतदाता लीग आदि। ये संघ अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनाव टिकट दिलाने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं और उनके चुनावों में मदद करते हैं। अगला है राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली का दोष। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल लूट प्रणाली स्पॉइल्ड सिस्टम में विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने दलीय हित में शासन की सत्ता का अनुचित लाभ उठाते हैं। इस प्रथा के अनुसार विजयी राष्ट्रपति शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पदमुक्त कर देता है जो उसके दल के नहीं हो, और उनके स्थान पर अपने दल के व्यक्तियों को नियुक्त करता है, जो कि एक दोषपूर्ण प्रथा है। इसे स्पॉइल्ड सिस्टम या लूट प्रणाली के नाम से अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में जाना जाता है। अगला है दलों के संगठन में राज्यों का महत्व। यद्यपि प्रत्येक दल राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर अपने विचार प्रकट करता है और राष्ट्रीय चुनाव भी लड़ता है, किंतु दल के संगठन में राज्यों का विशेष महत्व है,
चुनावों के संचालन तथा नियंत्रण में राज्यों के दलीय सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं का ही प्रमुख हाथ रहता है। अगला, कठोर दलीय अनुशासन का अभाव। अमेरिका में राजनीतिक दलों का संगठन केंद्रीयकृत आधार पर नहीं किया गया है। प्रत्येक दल एक शिथिल संगठन के रूप में कार्य करता है। पार्टी नेता के आदेशों का उल्लंघन करके विधायक व्यवस्थापिका में मतदान करते हैं और सीनेट के सदस्य अपने दल के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों या संधियों के विरुद्ध मतदान कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि विधायक अनेक बार दलीय हितों से अधिक महत्व अपने वर्गीय हितों या अपने निर्वाचकों, वोट जिसे वोट बैंक कहते हैं, की धारणा को देते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों में वैसा कठोर अनुशासन नहीं पाया जाता जैसे कि संसदीय शासन प्रणालियों में पाया जाता है। अब है राजनीतिक दलों का संगठन। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक दल के तीन अंग हैं, राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सचिवालय। राष्ट्रीय समिति यह एक स्थायी समिति है जिसमें प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। इन दो प्रतिनिधियों में एक पुरुष व एक स्त्री होती है। राष्ट्रीय समिति अपने दल की राष्ट्रीय नीतियों को निश्चित करती है और उन्हें लागू करती है। राष्ट्रीय समिति का एक अध्यक्ष होता है जिसे स्वयं समिति चुनती है। राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष ही दल का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रीय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है और दल में अनुशासन बनाए रखता है। दल के अध्यक्ष की देखरेख में दल की नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रीय समिति प्रति चार वर्ष बाद अर्थात राष्ट्रपति पद के चुनाव वर्ष में जुलाई या अगस्त के माह में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाती है। इस सम्मेलन में राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन दल की नीतियां निश्चित करता है और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के आगामी चुनावों के लिए अपने दल के उम्मीदवार का चुनाव करता है। राष्ट्रीय सम्मेलन का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है राष्ट्रीय सचिवालय। राष्ट्रीय सचिवालय देश का केंद्रीय कार्यालय है जिसमें अनेक स्थायी कर्मचारी व निर्वाचित अधिकारी होते हैं। सचिवालय राष्ट्रीय समिति व उसके अध्यक्ष के आदेशों को लागू करता है। यह राज्य व स्थानीय स्तर के दलीय संगठनों व राष्ट्रीय समिति के बीच संपर्क बनाए रखता है। दल के राष्ट्रीय संगठन का राज्य संगठन पर कठोर नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा है राज्य स्तरीय दलीय संगठन। राज्य स्तर पर प्रत्येक दल के तीन अंग हैं, पहला राज्य समिति, दूसरा राज्य सम्मेलन, तीसरा राज्य सचिवालय। राज्य स्तर पर दल का कार्य राज्य समिति करती है। यह कांग्रेस के चुनावों में प्रचार कार्य संगठित करती है। राज्य समिति का एक अध्यक्ष होता है जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रत्येक राज्य में दल की राज्य समिति राज्य सम्मेलन बुलाती है जिसका प्रमुख काम है राज्य के गवर्नर पद के लिए दल का उम्मीदवार चुनना। राज्य स्तर का सचिवालय दल की राज्य समिति व उसके अध्यक्ष के आदेशों को लागू करता है। यह राज्य समिति का राष्ट्रीय समिति तथा स्थानीय स्तर के दलीय संगठनों से संबंध बनाए रखता है। तीसरा है स्थानीय स्तर पर दलीय संगठन। स्थानीय स्तर पर प्रत्येक दल की जिला समिति प्रमुख है जो गांव समिति, काउंटी समिति, बाढ़ समिति के ऊपर होती है और इन अधीनस्थ समितियों के माध्यम से कार्य करती है। इस प्रकार यह अमरीकी राजनीतिक दल व्यवस्था है। धन्यवाद।